मैंने ना आज एक बात बोलना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे अलाउड है कि नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ। तो एक मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी एक मोहतरमा ने किसी दूसरी मोहतरमा को पूछा, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, समझ रहे हो? एक मोहतरमा ने दूसरी मोहतरमा से पूछा कि आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तो वो इतनी ओपन थी नहीं, उसने कहा नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। उसने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा, पक्का होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, यू आर सो क्यूट, आपका कोई बॉयफ्रेंड होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुआरे तो नहीं हो सकते। तो अब क्या करें, कोई पीछे पड़ जाए? तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, वो जवाब आपको भी सुनना चाहिए। और ये रिसेंटली घटना है, और जो लोग ऐसा काम करते हैं फालतू में, ना जान ना पहचान और फालतू के सवाल पूछते हैं, उनको कोई लेना है कि देना दो, जिंदगी में कोई काम नहीं है तुम लोगों को, बट पूछते हैं ऐसे छेड़छाड़ करते हैं। तो देखो उस मोहतरमा ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, जो आपको इंस्पायर करेगा। नाउ द जवाब टू दैट पर्टिकुलर मोहतरमा, उस बंदी ने जवाब दिया, माय पैशन इज माय बॉयफ्रेंड एंड आई एम डेटिंग माय करियर। सुनो क्या जवाब दिया, और ये सच्ची घटना है, आज ही की घटना होगी शायद। माय पैशन इज माय बॉयफ्रेंड एंड आई एम फॉलोइंग माई करियर। यही था, बुरा हो गया, मैं दोबारा देख लेता हूँ। देखो, माई पैशन इज माई बॉयफ्रेंड एंड आई एम डेटिंग माई करियर। बहुत बड़ी बात है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, पैशन, मेरा पैशन, और मैं किसको डेट कर रही हूँ, मेरे करियर को। बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को सीखना चाहिए। और पता है ऐसे लोग कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में जानते हैं उनको क्या करना है, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है।